टपुकड़ा के ग्राम पंचायत मायापुर के गांव खोहरी कला में नाबार्ड और स्पेक्ट्रा संस्था द्वारा चलाई जा रही जलागम परियोजना की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक प्रदीप चौधरी ने उपस्थित ग्रामीणों तथा ग्राम विकास समिति के सदस्यों को जलागम परियोजना में भागीदारी सुनिश्चित करना निश्चित किया। उन्होंने बताया कि इस परियोजना में भूमि और जल संरक्षण पर कार्य किए जाते हैं, जिसमें खेतों की मेड़बंदी, तालाब निर्माण, वृक्षारोपण, जमीन समतलीकरण व महिला स्वयं सहायता समूह बनाकर उनको विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण आदि का कार्य किया जाता है। आज के कार्यक्रम में स्पेक्ट्रा संस्था के कार्यकारी निदेशक प्रदीप पुंडीर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। प्रदीप पुंडीर ने ग्रामीणों को स्पेक्ट्रा संस्था द्वारा चलाई जा रही सामुदायिक योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि संस्था महिलाओं की आजीविका बढ़ाने पर विशेष ध्यान देती है। नाबार्ड तथा अन्य विभागों के साथ तालमेल कर यह संस्था कार्य कर रही है। संस्था द्वारा नाबार्ड के सहयोग से जलागम परियोजना और किसान उत्पादक संगठन पर कार्य कर रही है। कार्यक्रम में निपुण किसान हाईटेक एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की समीक्षा की गई है, जिसमें युवराज कौर द्वारा कंपनी की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। डीडीएम नाबार्ड द्वारा निवेशकों को अवगत करवाया कि मेंबरशिप बढ़ाने पर विशेष जोर दे। निपुण किसान के निदेशक सहाबुद्दीन ने सभी को आश्वस्त किया कि अब वह सदस्यता अभियान चलाकर सदस्यों को जोड़ेंगे। इसी समय पशुपालन विभाग के सहयोग से पशु स्वास्थ्य कैंप लगाया गया, जिसमें सभी ग्रामीणों को मुफ्त में दवाइयां और टीके दिए गए हैं। पशुपालन विभाग से डॉक्टर भावना गुप्ता और पशुधन सहायक ओमवीर यादव, अनिल कुमार, स्पेक्ट्रा संस्था के पशुधन सहायक चरण सिंह, समन्वयक संतोष स्वामी, हसीन खान, सलमान मुवीन, धन्नो देवी, माया देवी, शीला देवी, जीनत सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।